हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझ लिया था, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहां पर बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बच्चों? बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका बॉन्डिंग किस तरीके से होता है बच्चों, उसको हम ध्यान से समझ लेते हैं। काफी इजी कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको किसने दिया? वर्नर थियरी से आया, ठीक है। अब वर्नर थियरी होती क्या है, उसको हम ध्यान से समझते हैं। वर्नर ने क्या किया कि समझना ध्यान से, वर्नर थियरी। अभी मैं इसकी थियरी के बारे में अभी पूरा नहीं बताऊंगा, अभी धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। सबसे पहला उसने CONH3 होल थ्राइस, और यहां पर उसने CONH3 होल फाइव CL3, ठीक है। इस तरीके से उसने कोई कंपाउंड लिया, ठीक है। अब उसने देखा कि ये कोई कंपाउंड उसने लिया, जब उसने देखा कि यहां पर सिक्स कर लो, जब उसने देखा यहां पर कि अगर इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको अगर मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो जब मैंने AgNO3 के एक्सिस में इसका रिएक्शन कराया, तो यहां पर आप लोग जानते हो जैसा कि इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड होता है, जब इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट देगा कितने मोल, 3 मोल, ठीक है। जो कि आपका क्या होगा बच्चों, वाइट प्रेसिपिटेट। उसने फिर एक और बार इसने टेस्ट किया, इसी तरीके से उसने अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से उसने कंपाउंड को एग्जामिन किया। अब जब उसने कंपाउंड को एग्जामिन किया, तो यहां पर देखो ये आयोनिक है, जब AgNO3 के एक्सिस में फिर रिएक्शन कराया, तो यहां पर 2 मोल AgCl मिला, क्योंकि Cl आपके कितने मोल बाहर है, 2 Cl आपके बाहर है, जितने Cl आपके बाहर होंगे उतने आपके मिलेंगे। अब देखो यहां पर उसने एक और इसमें उसने CONH3 4 Cl2 Cl NH3 2 NH3, अब उसने इससे रिएक्शन कराया AgNO3 के एक्सिस को, जब उसने इससे रिएक्शन कराया तो यहां पर 1 मोल AgCl मिला, जो कि आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। बात क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से उसने एग्जामिन किया, तो उसको यहां पर प्रेसिपिटेट मिल रहा था और यहां पर प्रेसिपिटेट नहीं मिला। तो उसने उसने एग्जामिन करते करते और उसने देखा कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो कितनी है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। इसको मैं लिख देता हूं ए, इसको मैं लिख देता हूं बी, और इसको मैं लिख देता हूं सी। उसने कंडक्टिविटी को भी एग्जामिन किया, जब उसने कंडक्टिविटी को एग्जामिन किया तो ए की कंडक्टिविटी आपकी क्या होगी, ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू क्या, बी और एज कंपेयर टू सी। क्यों कंडक्टिविटी क्यों इसकी ज्यादा हुई बच्चों, क्योंकि इसमें जो आपका ध्यान से समझना, इसमें जो आपके नंबर ऑफ आयंस है, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने बच्चों, नंबर ऑफ वो आयंस, जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये आपके फोर, ये आपके टोटल कितने आयंस में टूटेंगे, 4 आयन, 3 आयन तो क्लोरीन का, 1 आयन इसका। यहां पर नंबर ऑफ आयन कितने हो जाएंगे बच्चों, यहां पर नंबर ऑफ आयंस 2 आयन इसके, 1 आयन इसका, तो यहां पर 3। यहां पर नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ आयंस यहां पर 2, एक इसका और एक इसका। तो देखते हैं कि यहां पर कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, नंबर ऑफ आयंस। तो उसने देखा कि इस तरीके से यहां पर आपके कंपाउंड में थोड़ी से चेंजेस आ रहे हैं। तो उसने इसी को बेसिस मानते हुए उसने एक थियरी दिया। उसने क्या थियरी दिया, समझना ध्यान से, उसने थियरी दिया बच्चों यहां पर आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टू टाइप की वैलेंसी होती है। कितने टाइप की वैलेंसी होती है बच्चों, टू टाइप्स की। एक तो होती है बच्चों आपके प्राइमरी वैलेंसी, एक आपकी कौन सी वैलेंसी होती है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी, और एक आपकी कौन सी होती है बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी।
ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब ध्यान से समझना, सेकेंडरी वैलेंसी को तो हम क्या बोलते हैं, सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑन मेटल आयन। अब ध्यान से समझना, मेटल आयन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से आपका यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर और एक आपका ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से रोल करेगा, ठीक है। अभी मैं प्राइमरी वैलेंसी को आपको बता देता हूं। प्राइमरी वैलेंसी को हम कौन से लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से। और हम सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे शो करते हैं बच्चों, सॉलिड लाइन से। किससे शो करते हैं, सॉलिड लाइन से, सॉलिड लाइन से। सेकेंडरी वैलेंसी को हम यहां पर किससे शो करेंगे बच्चों, यहां पर सॉलिड लाइन से। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिया CO(En)2Cl2 और यहां पर मैंने Cl, इस तरीके से मैंने कुछ एग्जांपल लिया बच्चों, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि अब देखो यहां पर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो X+2O+2N2, यहां पर क्या आ जाएगा, -1, और इसकी वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, +1, और इसकी वजह से -1, तो यहां पर +1, तो यहां पर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3, ठीक है। और अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर आपका 2, यहां पर इसकी वजह से देखो 2 × 1, यहां पर +2 × 2, क्योंकि ये आपका बाइडेंटेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ये आ गया, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से यहां पर इस एग्जांपल के लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, और इसका जो आपका प्राइमरी वैलेंसी है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितना आया, 3 आया। अब इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना। अब देखो यहां पर जो सीएल है, ये वाला जो सीएल है लिगेंट, जो आपका एनायनिक है, ये आपका एनायनिक लिगेंट है, ये आपका एनायनिक लिगेंट है। अब देखो एनायनिक लिगेंट आपका इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस पॉइंट पर, और ये आपका इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपका ध्यान रखना है, एनायनिक लिगेंट कैन कैन पार्टिसिपेट इन प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। और यहां पर आपका देखो यहां पर आपका एनायनिक लिगेंट एज वेल एज न्यूट्रल एंड केटायनिक, एनायनिक लिगेंट लिखो, एनायनिक लिगेंट, न्यूट्रल लिगेंट एंड केटायनिक लिगेंट ऑल आर पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी वैलेंसी, सारे के सारे आपको पार्टिसिपेट करेंगे। देखो ध्यान से समझना बच्चों इस पॉइंट को, केवल और केवल आपके कौन से एनायनिक लिगेंट आपके ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट करेंगे, एनायनिक लिगेंट आपके ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी कर सकता है। लेकिन अगर यहां पर अगर मैंने बोल दिया कि यहां पर न्यूट्रल लिगेंट है, तो क्या न्यूट्रल लिगेंट आपके ऑक्सीडेशन नंबर को वेरी कर रहा है, वहां पर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो बच्चों यहां पर कि न्यूट्रल लिगेंट की वजह से आपका जो प्राइमरी वैलेंसी पे है उतना इफेक्ट आपका इफेक्ट नहीं आता है, केवल और केवल एनायनिक लिगेंट, न्यूट्रल लिगेंट एंड कैटायनिक लिगेंट ऑल आर पार्टिसिपेट इन सेकेंडरी वैलेंसी। देखो सेकेंडरी वैलेंसी में मैंने यहां पर इसको भी मैंने लिया है बच्चों, इसको भी मैंने यहां पर लिया है, तो सेकेंडरी वैलेंसी आपका एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिसमें आपके सारे लिगेंट पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे एनायनिक हो, चाहे कैटायनिक हो, चाहे आपका न्यूट्रल हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्राइमरी वैलेंसी में केवल और केवल आपके एनायनिक लिगेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, कोई ना कोई चार्ज होता है, ड्यू टू द चार्ज। अब देखो ऑन दिस टाइप ऑफ लिगेंट, इस टाइप के लिगेंट के ऊपर कोई ना कोई आपका चार्ज होता है, इसी वजह से ये आपका क्या करता है बच्चों, ये आपका पार्टिसिपेट करता है किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर में,
ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका पार्टिसिपेट करेगा। नाउ अब हम समझते हैं बच्चों, इसमें एक और ध्यान से समझना है इसको इसको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और कोशिश करो आपको समझ में आ जाएगा काफी अच्छे से। ठीक है, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि और भी किस तरीके से होगा। यहां पर आपका, यहां पर इसको लिख लीजिए, मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, इसको लिख लेना। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आपका होता है लिगेंड, ये वाला जो आपका लिगेंड होता है वो किस टाइप का होता है बच्चों? ये वाला आपका लिगेंड होता है नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये आपका क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ये आपका नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, और ये आपका कौन सा होता है बच्चों? डायरेक्शनल बॉन्ड। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, ये आपका कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ये आपका नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होगा तो ये वाला आपका डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉलिड लाइन से और इसको हम डॉटेड लाइन से। तो अब हम एक एक करके सभी की बातें करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना बच्चे। इसमें मुद्दे वाली बात यह है कि यहाँ पर जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज वाले लिगेंड आपको प्राइमरी वैलेंसी को और प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन न्यूट्रल लिगेंड आपका प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड आपका प्राइमरी वैलेंसी में आपका पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा बच्चों, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आप उसको देख सकते हो। देखो यहां पर अगर मैं एक एक करके एग्जाम्पल बताता हूँ, एक एक करके एग्जाम्पल दूंगा आपको, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और नंबर ऑफ आयंस निकालने। ठीक है, तो एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं वर्नर थ्योरी में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर वन यहां पर लिखता हूं मैं, रुको, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कंपाउंड प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड नंबर ऑफ आयंस। अब देखते हैं बच्चों एक एक करके। देखो यहां पर के फोर एफ ई सी एन सिक्स, अगर मैं इसका प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक एक करके देखो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर फोर के प्लस होगा, ये आपका फोर के प्लस, और यहां पर आपको एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे निकालोगे बच्चों? यहां पर एक्स प्लस सिक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस फोर, एक्स इक्वल टू कितना आ गया? टू आ गया। दिस इज व्हाट? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अब मुझे यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या? नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंटिसिटी। आप देखो यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने बच्चों? यहां पर सिक्स, और इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है? ये आपका यूनिडेंटेड होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? सिक्स। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक आयन और यहां पर चार आयन, टोटल कितने आयन हो गए बच्चों? यहां पर आपके फाइव आयन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि यहां पर जो सी एन माइनस है, ठीक है, यहां पर सी एन माइनस है, सी एन माइनस मतलब एनायनिक लिगेंड ने आपका इसमें भी पार्टिसिपेट किया है और इसमें भी पार्टिसिपेट किया है, इसकी वजह से ही तो इसके ऊपर प्लस टू चार्ज आया है, इसकी वजह से ही तो इसके ऊपर प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर आया है, वो आया है। अगर यहां पर अगर मैंने कुछ और लिया होता तो क्या इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आता? नहीं आता, पक्का बात है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, यहां पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों। देखो सी यू एन एच थ्री फोर, अब ये आपका एसओ फोर टू माइनस। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने एन आई डी एम जी ट्वाइस, यहां पर मैंने सी एल टू। ठीक है, यहां पर मैं एक और एग्जाम्पल ला लेता हूँ बच्चों, के थ्री एल सी टू ओ फोर थ्राइस। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं बच्चों। देखो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पर सी यू एन एच थ्री फोर, यहां पर आ जाएगा प्लस टू, यहां पर आ जाएगा एसओ फोर टू माइनस। ध्यान से समझना, काफी इजी है। अब देखो यहां पर अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूँ, प्राइमरी वैलेंस इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा बच्चों? यहां पर मैं लिख दूंगा एक्स प्लस फोर जीरो इक्वल टू प्लस टू, देन एक्स इक्वल टू क्या आ गया? प्लस टू। प्राइमरी वैलेंसी वो
व्हाट प्लस टू। अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी निकालूंगा तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, फोर, और सारे के सारे आपके वो यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों आपका फोर। अब नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, ये एक और ये आपका दो, टोटल नंबर ऑफ आयंस इसमें कितने आ गए बच्चों, दो आ गए। बात क्लियर है, बात क्लियर है बच्चों, इसको देखते हैं एक और बार, ठीक है, फिर मैं और एग्जांपल बताऊंगा उससे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहां पर प्लस टू, यहां पर टू सी एल माइनस वन, ध्यान से समझना। अब देखो इसमें माइनस वन होता है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूं तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखो ध्यान से, एक्स एक्स यहां पर, एक्स यहां पर इसका माइनस वन, टू माइनस वन प्लस टू, तो x इक्वल टू कितना आ गया, फोर आ गया, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, फोर आ गया। और अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं तो DMG आपका क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड लिगेंड। DMG आपका क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड लिगेंड, ध्यान रखना, DMG आपका क्या होता है बच्चों, बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड दो है और बाइडेंटेड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर चार, और यहां पर नंबर ऑफ आयंस आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, थ्री। काफी इजी है। नाउ इसको देखते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3K प्लस, और यहां पर एल्यूमिनियम C2O4 3, यहां पर 3 माइनस। नाउ अब देखते हैं बच्चों एक एक करके, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका माइनस टू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स 3 इंटू माइनस टू इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर 3, और यहां पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका बाइडेंटेड है, तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 इंटू 2, बाइडेंटेड है ना, बाइडेंटेड के लिए 2 यूज करेंगे, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ आयन कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 4। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको निकाला है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हो बच्चों ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं आपको फर्क बताता हूँ कि मैंने जो आपको एनैनिक वाला बोला था उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा आपको। देखो यहां पर CuNH3 5 Cl Cl2, ये मैंने ले लिया Cu, ठीक है। एक मैंने यहां पर लिया, देखो CuNH3 4 Cl2 Cl, ये मैंने लिया। अब इसका मुझे निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो इसका निकालेंगे किस तरीके से, ध्यान से समझना। इसको मैं दो पार्ट में डिसोसिएट करूंगा, किसमें, CuNH3 5 Cl+2 और यहां पर 2 Cl- इस तरीके से मैंने निकाल दिया यहां पर, ठीक है, काफी इजी है। अब इसको समझो ध्यान से, जहां पर आपको प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पर x 5 × 0, क्या ये न्यूट्रल लिगेंड का कोई पार्टिसिपेशन दिख रहा है, क्या ये न्यूट्रल लिगेंड का कोई पार्टिसिपेशन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर मैं Cl लूं तो Cl में यहां पर क्या जाएगा, 1 × -1 = +2। अब देखो यहां पर जो एनायनिक लिगेंड है उसका पार्टिसिपेशन दिख रहा है, और इसी की वजह से आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3 हो गया। अगर ये भी आपका न्यूट्रल होता तो क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता, ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या आता बच्चों, +2, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर एनायनिक लिगेंड हमेशा आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी हो सकता है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी हो सकता है, ध्यान रखना इस बात को। अब अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा बच्चों, देखो 5 ये आपका यूनिडेंटेड है तो 1 प्लस ये आपका 1 है और ये भी आपका यूनिडेंटेड है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया बच्चों 6 आ गया। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ आयन निकालना चाहूँ तो कितने दिख रहे हैं, 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए 3 आयन्स। अभी मैं इसी को भी डिसोसिएट करता हूँ, देखो CuNH3 4 Cl2, ये आपका +1 या आपका -1। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, क्या आएगा, एक्स 4 × 0 यहां पर +2 × -1 = +1। अब देखो यहां पर +3। अब देखो कि ये जो एनायनिक लिगेंड है वो कहीं ना कहीं आपके कोऑर्डिनेशन, ये आपके कहीं ना कहीं इस प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, देखो प्राइमरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट कर रहा है।
लेकिन NH3 का आपका कोई रोल नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में NH3 का कोई रोल नहीं है क्योंकि इसका क्या है, चार्ज जीरो है। ठीक है, नाउ अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालता हूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों जल्दी से बताओ। यहां पर 4, इसका हो जाएगा बच्चों आपका 1, यहां पर 2 × 1, यहां पर टोटल कितना हो गया 6, और नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे बच्चों यहां पर 2। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, यहां पर एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। अगर मैं, अब देखो यहां पर एक और एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया पीटी NH3 4 2 Fe CN6, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, ये बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, आप देखो ये En2CO NH2OH Cr NH3 2 Cl2, ये आपका एग्जाम्पल है दोनों। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल को भी ध्यान से देखते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर आपका चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। चार्ज क्या होगा, अब देखो इसको डायरेक्टली अगर आप यहां कर दोगे, अगर आप इसको डायरेक्टली देखो इसके ऊपर अगर बेटा यहां पर +1 यहां पर +2 कर दिया, तो यहां पर पीटी के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा +1, और यहां पर एफ ई के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, एफ ई के ऊपर इफ वी असाइन +1 एंड यहां पर आ जाएगा -2, देन पीटी के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर +1 है, ये आपने क्रिस क्रॉस कर दिया, डायरेक्टली आपने क्या कर दिया बच्चों, क्रिस क्रॉस किया है। ठीक है, क्रिस क्रॉस करके आपने ऐसा चार्ज असाइन किया है। ठीक है, तो पीटी के ऊपर कितना आ जाएगा 1, और एफ ई के ऊपर कितना आ रहा है बच्चों यहां पर 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज असाइन करना पड़ेगा, इफ वी असाइन। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, अब इससे आपको क्या समझ में मिल रहा है कि यहां पर आपका 2 है, यहां पर आपका 1 है, मतलब इसका हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आपका 2 होगा तो यहां पर आपका प्लस, यहां पर -2 है तो यहां पर +1 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर अगर आपका -4 होगा तो यहां पर क्या होगा +2, मतलब 2 times होगा ना, जैसे मैं क्रिस क्रॉस करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा -2, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों +1, तो मतलब 2 times का फर्क होगा। तो यहां पर मैं अगर ऐसा लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि यहां पर देखो -2 है +1 है, ठीक है, अगर मैं इसको यहां लिख दूं कि -4 और यहां पर लिख दूं +2, ठीक है -4 और यहां पर लिख दूं +2, तो भी अगर मैं क्रिस क्रॉस करूंगा तो यहां पर 2 आ जाएगा काउंटर बैलेंस होके। तो एक बार देखते हैं, यहां पर असाइन कर दो +2 एंड -4 असाइन करो। देखो जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया, देखो यहां पर Ba+2CO3 2-, अब क्या करता हूं बच्चों मैं यहां पर ऐसा तो नहीं लिखता ना Ba2CO3 2-, ऐसा तो नहीं लिखता, 2 को हटा लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाता है BaCO3। बात क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से मैं इसको हटा लेता हूं, या फिर मैंने कोई एग्जांपल में लिख दिया यहां पर, देखो यहां पर किसी एग्जांपल में मैंने लिख दिया क्रिस क्रॉस में कि मैं यहां पर जो आपका सबसे लोएस्ट है उसको मैं हटा लूंगा। देखो ध्यान से, अगर कोई कभी भी आपका ए वो ऐसा होगा A3B9, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा 3 हटा दूंगा, कॉमन निकाल लूंगा, इसको मैं AB3 टाइप में लिखूंगा। तो अगर मैंने यहां पर इसको 2 कर दिया, देखो यहां पर मैं ए और बी से समझाता हूं, अगर मैंने इसको यहां पर +2 कर दिया, यहां पर बी को मैंने -4 कर दिया, तो मैं इसको क्या लिखूंगा A4B2, और मैं इसको निकालूंगा तो क्या बन जाएगा A2B, देखो A2B के फॉर्म में बन गया है। तो इसके अगर चार्ज को दुगना कर देते हैं, 2 times अगर मैं कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर पीटी पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पीटी पर +2 असाइन करा +2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, पीटी का आपका +2 आ जाएगा और Fe का क्या आ जाएगा +3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि Fe का आपका +4 आपका स्टेबल नहीं होता है। अब ध्यान से समझो कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो पीटी पर आपका +2 हो जाएगा और Fe पर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, Fe पर प्राइमरी वैलेंसी +3 हो जाएगी। तो कितनी पर प्राइमरी वैलेंसी निकली इसमें 2, क्योंकि 2 टाइप के आपके 2 कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे बच्चों,
कोऑर्डिनेशन नंबर पीटी के लिए सेकेंडरी वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू डेंसिटी 4, और एफई के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यहां पर 6, और यहां पर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, ये आपका +2 है, ये आपका -4 है, तो कितने आयंस आए अपने आप बता सकते हो, यहां पर +2 है, यहां पर -4 है इस फॉर्म में, तो कितने आयंस है बच्चों, यहां पर 2 आयंस है, ठीक है, क्लियर है। अब इसी का केस मैंने आपको बताया था, सीआर पे आपका +3 स्टेबल होता है, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, सबसे पहले सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया x, इसको मैंने लिख दिया y, तो x प्लस y, इसकी वजह से 0 यहां पर लिखता हूं बच्चों, x प्लस y en की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, en की वजह से 0, चाहे वो 2 भी रहे न्यूट्रल है, इसकी वजह से भी 0, ठीक है। अब इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से देखते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 सीएल की वजह से ये हो जाएगा, अब यहां पर NH2 की वजह से -1 और OH की वजह से -1, तो x प्लस y, x प्लस y की वैल्यू टोटल कितनी आ गई बच्चों, ध्यान से समझो, x प्लस y की वैल्यू देखो, ये आपका -2 -4 और यहां जाएगा तो 4, ठीक है, x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां पर आपके 4 आ गई, थोड़ा सा देख लेता हूं बच्चों में, Cl2, ठीक है, 2 Cl2 आपका 2 है, यहां पर OH, अच्छा 2 2 3 4 और यहां पर आपका -1 है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, यहां पर आपके +1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां पर 5, तो x प्लस y की वैल्यू 5, तो मतलब सीआर पे आपका +3 स्टेबल है, कोबाल्ट पे आपका +2, तो यहां पर अगर मैं सीआर का प्राइमरी वैलेंसी बोलना चाहूं तो +3, यहां पर कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी बोलना चाहूं तो +2, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में तो मैंने वो सही किया, ठीक है। नाउ अगले एग्जाम, अगले में मैं अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूंगा, तो ये जो आपका मेटल आयन है कितने लिगेंड के साथ अटैच है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, देखो ये 1 2, यहां पर बाइडेंटेट होगा, तो यहां पर बाइडेंटेट की वजह से कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 2 से, ये आपका 2 से, टोटल कितने हो जाएंगे, देखो इसका मैं निकालता हूं बच्चों, कोबाल्ट का कैसे निकालेंगे, 2 × 2, क्योंकि बाइडेंटेड है ना, तो बाइडेंटेड की वजह से 2, अब यहां पर ये 1 और ये 1, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर इसका 6, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं सीआर का, तो सीआर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2, तो यहां से 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, यूनिडेंटेड है तो इसलिए 1 लिख रहा हूं, ये भी आपका 1 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 6, अगर मैं नंबर ऑफ आयन में कन्वर्ट करूं तो यहां पर सिंगल आयन है बच्चों ये, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 1, तो इस तरीके से हमने यहां पर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को निकालना सीख लिया। अब एक्चुअली में अब आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, ठीक है, तो ध्यान से समझना कि अब मैंने आपको बताया था कि आपका एनायनिक लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा, तो अगर मैं बॉन्डिंग के कंसेप्ट के हिसाब से बात करूंगा, तो बॉन्डिंग के कंसेप्ट के हिसाब से आपका किस तरीके से शो होगा, देखो सबसे पहले मैंने बात कर लिया यहां पर CO NH3 4 Cl2 और यहां पर Cl, अब देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, यहां पर मैंने मिड में लिख दिया CO, अब देखो CO यहां पर आपका किससे अटैच है, NH3 से, ये भी आपका NH3 से अटैच है, ये भी आपका NH3 से अटैच है, और ये भी आपका NH3 से अटैच है, बात क्लियर है। अब यहां पर क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में मैंने आपको क्या कंडीशन बताया था, क्लोरीन आपका प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता, तो यहां पर जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट करेगा, जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी में जो बच्चों आपका पार्टिसिपेट करेगा, उसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, उसको मैं सॉलिड लाइन से डिनोट करता हूँ, उसको मैं कौन से लाइन से डिनोट करता हूँ, सॉलिड लाइन से, देखो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन का नंबर निकालना चाहूं तो किसे निकालूंगा बच्चों, अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहूं तो किस तरीके से निकालूंगा बताओ, देखो यहां पर 4 यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 1, टोटल कितना आ गया 6 आ गया, देखो
फोर तो ये आपका लिगेंड हो गया, और ये आपका कौन सा होता है, यूनिडेंटेड। यूनिडेंटेड की वजह से इसको क्या बोलेंगे, वन। अब यहाँ पर क्लोरीन आपका क्या हो गया, दो हो गया, और ये आपका यूनिडेंटेड है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी क्या क्या हो जाएगा बेटा, आपका वन हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, सिक्स हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब छह लिगेंड को तो मुझे सॉलिड लाइन से डेनोट करने हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर ये सीएल आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों? अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी निकालना चाहूं तो ध्यान से समझना, अगर मैं प्राइमरी वैलेंसी निकालना चाहूं तो यहां पर प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, यहां पर आपका 4 × 0, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 × −1, और इसकी वजह से यहां पर +1, और इसकी वजह से -1, तो यहां पर क्या आ जाएगा +1। अगर मैं टोटल निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर में ये भी आपका पार्टिसिपेट कर रहा है सीएल, तो सीएल को आपको डैश लाइन से भी दिखाना पड़ेगा, इसी सीएल को, और एक्स्ट्रा में एक सीएल जो आपका यहां पर है वो तो आपका डैश लाइन से ही होगा, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी में ये वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि प्राइमरी वैलेंसी में चार्ज वाले लिगेंड आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जो लिगेंड आपके चार्ज वाले नहीं होंगे वो आपके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बात क्लियर है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों में, देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉर्म क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जेई में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहां पर सीओ, यहां पर मुझे स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, क्या बना के दिया हुआ है बच्चों, यहां पर मुझे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है हमको बस, और किसी को समझना नहीं है। NH3, यहां पर ये आपका NH3, ठीक है, यहां पर ये आपका NH3, और यहां पर डैश 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 NH3, और डैश 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 CL और CL। अभी हम लोग इससे स्ट्रक्चर निकालेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर निकाल, हाँ स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना सीखेंगे एक एक करके ध्यान से। ये आपका सॉलिड लाइन डैश डैश डैश, यहां पर CL, यहां पर CL, यहां पर ये आ जाएगा CL, यहां पर NH3, यहां पर आपका NH3, यहां पर NH3, और यहां पर आपका NH3, ठीक है, बी हो गया। सी देख लेते हैं बच्चों, सी सी ऑप्शन, CO डॉट NH3, ये आपका डैश सॉलिड लाइन NH3, यहां पर डैश 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 CL, यहां पर NH3, यहां पर ये आपका CL, यहां पर आपका NH3, यहां पर आपका NH3, यहां पर डैश डैश डैश, ये आपका CL, और डी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों ध्यान से। तो डी ऑप्शन क्या होगा, ये आपका NH3, ये आपका NH3, यहां पर आपका CL, यहां पर आपका NH3, यहां पर डॉटेड लाइन, यहां पर इस तरीके से आपको दिया हुआ है कोई कंपाउंड, यहां पर इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी, मैक्सिमम कंडक्टिविटी के लिए आप लोग जानते हो कि बच्चों कि आपको नंबर ऑफ आयंस निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता किसे लगाएंगे बच्चों, काफी इजी है। देखो मैंने क्या बोला था कि जो आपका सॉलिड लाइन है वो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉलिड लाइन केवल और केवल आपके प्राइमरी वैलेंसी को या फिर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी को, तो ध्यान से समझेंगे, तो सॉलिड लाइन आपकी यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और ये आपका प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो आपके ऑक्सीडेशन नंबर में हेल्प करे, ठीक है, तो यहां पर सॉलिड लाइन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं इसका एग्जांपल, तो CO NH3 4, यहां पर क्या जाएगा CL2, दोनों बाहर है तो CL2, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, और यहां पर NH3, ठीक है। इस तरीके से डैश 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 वाले लाइन को हमको बाहर लिखना है, डैश वाले लाइन को हमको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी केस आ जाएगा कि डैश और सॉलिड दोनों सिमिलर में आपका हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो CO
अब देखो यहां पर सबसे पहले NH3 से सॉलिड लाइन को अंदर लिख लो, NH3 कितना आ जाएगा बच्चों यहां पर 4। अब देखो यहां पर जो Cl है वो आपका प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका Cl2 ऐसा मतलब ऐसा आयन जो आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर Cl2 इसकी वजह से, देखो इस लाइन की वजह से, क्योंकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों बता रहा है, तो यहां पर Cl2 यहां पर Cl। नाउ अब हम इसका देख लेते हैं बच्चों, CO 1 2 3 4 सॉलिड लाइन वाले काउंट कर लो, NH3 चार NH3 और एक Cl आपका अंदर भी है और एक Cl आपका बाहर भी है। एक Cl आपका अंदर, अंदर मतलब सॉलिड लाइन में है तो मतलब ये आपका अंदर है, लेकिन डैश लाइन का मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, क्योंकि इसके ऊपर क्या बच्चों चार्ज है, मैंने बताया था ना एनायन, वो एनायन कैन पार्टिसिपेट इन प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, तो दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको मैं अंदर लिखूंगा। अब ये डैश लाइन का मतलब ये है कि बच्चों ये बाहर है, कंप्लीटली बाहर है बच्चों ये, ठीक है, क्लियर है। अब नाउ इसके बारे में मैं आप बोलता हूं आपको, तो इसके बारे में कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर, आप वीडियो को पॉज करके एक बार निकाल के देखो। देखो यहां पर आपका NH3 कितना आ जाएगा बच्चों, सॉलिड लाइन वाला 3। अब ये तीनों सॉलिड लाइन वाले मतलब आपके प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको अंदर लिखूंगा। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो इसकी वजह से वेरी कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, इसकी वजह से वेरी कर जाएगा। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो वो भी आपका इसकी वजह से वेरी करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका एनायनिक लिगेंड है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होके भी आपको प्राइमरी वैलेंसी को इफेक्ट कर रहा है, मतलब Cl जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होके भी प्राइमरी वैलेंसी को इफेक्ट कर रहा है। अगर ये प्राइमरी वैलेंसी को इफेक्ट करेगा तो इसको मैं डैश और सॉलिड दोनों लाइन से एक साथ दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आयंस, इसमें कितने आयंस आएंगे 3, इसमें कितने आयंस होंगे बच्चों निकालो, देखो ये आपका +1 ये आपका -1, इसमें कितने आयंस होंगे 2, इसको डिसोसिएट करेंगे 2 आयंस, इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3, ठीक है, इसमें होंगे कितने बच्चों यहां पर 3, रुको 2 मिनट, यहां पर आपका Cl2 में आपका इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से यहां पर भी आपका सॉलिड है, तो यहां पर आपका Cl2 6 आपका होना चाहिए अंदर, तो इस तरीके से, तो यहां पर कितने आयंस है 0, यहां पर कितने आयंस है बच्चों 0, यहां पर 3 है, यहां पर कितने आयंस है, यहां पर भी आपका 0 आयंस है, तो चेक कर सकते हैं बच्चों यहां पर कि देखो। अब जैसे ही मैंने इसमें सॉलिड और डैश दोनों एक साथ आ गया तो मैंने Cl2 लिख दिया, यहां पर सॉलिड और डैश दोनों एक साथ आ गया तो मैंने Cl2 को कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिख दिया। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अगर कोई एनायनिक कंपाउंड होगा, एनायनिक लिगेंड होगा, वो आपका किस में पार्टिसिपेट करेगा, प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसकी वजह से हम इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते हैं। अब देखो यहां पर सबसे, यहां पर नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा किसमें है बच्चों, नंबर ऑफ आयन इसमें सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो आप लोग एक बार स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच।